हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आज आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक और बात बताना चाहते हैं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, ये जो है यानी ये पार्ट फोर वीडियो है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ये इस चैप्टर से 25 या 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको ये जो है 25 या 30 नंबर का जो है आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो कृपया आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आए। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 11 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले मैं 10 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो सबसे पहले ये जो है सिद्ध करने वाला जो ये प्रश्न है, यानी आप LHS से सिद्ध कीजिए या RHS से सिद्ध कीजिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी किसी भी पक्ष से लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। सबसे पहले ये जानेंगे, कोई भी आपको जब सिद्ध करना होगा या ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करना होगा, तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे और यानी उसको विस्तार करेंगे, और विस्तार करने से आपका जो है, अगर आप LHS लिए हैं तो RHS आ जाएगा, अगर आप RHS लिए हैं तो LHS आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है किस तरह बनेगा। सबसे पहले इसमें से हम साइन थीटा कॉमा ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 2, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 साइन है, तो 2 साइन बचेगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बटा में हो जाएगा आपका, यह इसमें से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, यानी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यह जो आपका बच जाएगा यहां पर कॉस कॉमन लेने से, यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। दोस्तों हम यह जानते हैं कि यहां पर जो है इसको जो 1 जो है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला पकड़ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा और उसके बाद ये हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको अलग अलग लिख लेते हैं कि ताकि ये जो है आसान रहेगा, यानी इसको हम अलग कर लेते हैं साइन थीटा, बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, इसको हम अलग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 के बदले में, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम वैसा ही करते हैं, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम इसको वैसा ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसको वैसा उतार देते हैं यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा आपका, जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है, ये हो जाएगा टैन थीटा इनटू में हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका हो जाएगा, यह
आपका यह हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यह हो जाएगा, यह जो है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म में, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यह जो हो जाएगा आपका बराबर में हो जाएगा, यह टैन थीटा ही हो जाएगा इनटू, आप इसको कोस हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी हम विस्तार कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा, इसको विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वैसे मैंने इसको इसके बदले में इसको लिख दिया। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कोस हटेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये माइनस और ये प्लस, एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा बच जाएगा दोस्तों ये आपका टैन थीटा माइनस में दोस्तों सॉरी कॉस टैन थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद ये हो जाएगा, ये कट गया तो ये बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, इसको हम पलट देते हैं, ये माइनस वाला को प्लस में प्लस वाला को माइनस कर देते हैं, इसको जगह चेंज कर देते हैं, यह हो जाएगा आपका टैन थीटा इंटू यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा है, ये जो है साइन जो है, अगर ये साइन जो है इसको जगह चेंज कर दे प्लस वाला को माइनस में करते हैं, माइनस वाला को प्लस कर देते हैं जगह चेंज हो जाएगा तो, यानी यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे दोनों एक फॉर्म में है तो आपका ये बस आएगा टैन थीटा, यानी आपका आर एच एस जो हो गया यह हो गया आपका प्रूफ। तो आपने देख लिया कि मैंने बहुत आसानी तरीके से इसको सिद्ध कर दिया। अगर आपको अगर परेशानी यानी दिक्कत कहीं भी आपको आपको महसूस होता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप बता दीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगर अभी तक आपने यह जो है इस सवाल को अभी नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए ताकि जो है आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिया गया है कि sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a बराबर 1 दिया गया है। तो देखते हैं, तो हमने अभी बताया कि कितना भी लंबा आपको त्रिकोणमितीय फलन अगर दिया गया होगा तो उसको सिद्ध करने के लिए साइन और कॉस के फॉर्म में उसको तोड़ेंगे। तो चलते हैं इसको हम तोड़ते हैं, देखते हैं, लेते हैं एल एच एस बराबर यानी एल एच एस बराबर यह जो हो जाएगा सेक ए बराबर, दोस्तों हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है आपका
वन बटा कॉस ए होता है और कॉस ए बराबर होता है सेक ए होता है, क्योंकि एक दूसरे के ये जो होते हैं अपोजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वन बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए के बदले में कॉस ए हो जाएगा, और ये इंटू में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन तो रहने दीजिए, वन माइनस साइन ए हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं, यानी यह हो जाएगा आपका सेक ए बराबर होता है वन बट्टा कॉस ए, और टेन ए बराबर हम दोस्तों हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है आपका साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। इसको भी तोड़ लेते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा और आपका बराबर में वन हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, देखते हैं, वन बटा कॉस ए इंटू में हो जाएगा वन माइनस साइन ए, ये हो जाएगा, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे ये हो जाएगा कॉस ए ही होगा, कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो आपका भागफल वन आएगा, और वन में वन से यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वन इंटू वन बराबर वन ही होता, बीच में प्लस था तो प्लस, कॉस ए में ये जो कॉस ए है और कॉस ए में जब डिवाइड देंगे तो आपका भागफल वन आएगा, और वन में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन ए ही होगा, और वन में ये सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो होगा आपका वन ही होगा, ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो बस जाएगा वन माइनस साइन ए और इंटू में हो जाएगा ये वन प्लस साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में दोस्तों ये हो जाएगा कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यानी एक बार ये प्लस में है और एक बार ये जो माइनस में है, तो इसके बदले में हम यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के बदले में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, यानी इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वन का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में दोस्तों ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि ये वन का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा वन को ही होगा माइनस में, और उसके बाद साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ही हो जाएगा ए बटा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ही वन माइनस साइन स्क्वायर ए ही होता है, क्योंकि देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, हमको इसका वैल्यू निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए ये प्लस में है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, वैसा ही इसको हम इसके बदले में वन माइनस साइन स्क्वायर ए रख देते हैं, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा ये भी हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा वन माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों एक जैसा है तो इसको भाग लगाएंगे तो आपका वन बच जाएगा, यानी वन बराबर आर एच एस आपका प्रूफ हो गया। और तो देखा मैंने बहुत आसानी और बेहतरीन ढंग से आपको
समझा दिया, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी भूल नहीं पाइएगा आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब यह है 13 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रूट अंडर 1 cos θ बटा में 1 cos θ बराबर 1 cos θ बटा cos बटा में sin θ दिया है, बटा में sin θ है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। इसको ये जब ऐसा यानी कभी भी जब ऐसा आपको दिखे, ऐसा त्रिकोणमितीय फलन दिखे, तो मैं सीधे इसको परिमेयकरण करना चाहिए। तो चलते हैं परिमेयकरण करते हैं इसको, हम देखते हैं कि आरजी आता है, कि नहीं आता है। ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में हो जाएगा 1 cos θ बटा 1 cos θ इंटू में हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब परिमेयकरण करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ये वाला बीच वाला जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वे हो जाएगा 1 cos θ बटा में हो जाएगा 1 cos θ हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1 cos θ और 1 cos θ, यानी ये दो बार है, यानी इसका मतलब यह है कि ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 cos θ का यह जो है होल स्क्वायर बटा ये जो है 1 cos θ और एक 1 cos θ है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए होता है, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। काफी ज्यादा इस फॉर्मूले का त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति में उपयोग किया जाता है। तो अब ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ए माना और इसको बी माना। तो जब ये जो है 1 cos θ और 1 cos θ का फॉर्म में है, तो हम इसके बदले में इसको ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका रूट अंडर इसका, यानी ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट यानी ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 cos θ बराबर आपका sin θ हो जाएगा, यानी 1 cos θ, क्योंकि सॉरी इसका तो हमने निकाल दिया वर्गमूल, तो ये तो रूट हट जाएगा और इस पर ये हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल है, ये हो जाएगा sin²θ हो जाएगा और इससे भी स्क्वायर से रूट काट देते हैं, यह आपका हो जाएगा 1 cos θ बटा में हो जाएगा sin θ हो जाएगा। तो यह जो आपका RHS आ गया, यानी ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखा आप सबसे पहले कुछ नहीं बुझाता होगा, यानी इसको सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में आप इसको तोड़िएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको ये जो होगा सिद्ध करने में काफी जो परेशानी जो होती है वह परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि रूट अंडर वन माइनस साइन ए बटा में है वन प्लस साइन ए बराबर से ए माइनस टेन ए है, टेन ए है। तो दोस्तों इसके पहले जो है पहले नंबर यानी इसके पहले जो क्वेश्चन आपको जो यानी 13 नंबर बताए थे सेम जो है वह वैसा ही जो है क्वेश्चन है वैसा ही इसको हम हल करेंगे। तो चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं। यह हो जाएगा आपका रूट अंडर वन माइनस साइन ए बटा वन प्लस ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा इंटू में हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है बीच वाला जो प्लस में है तो परिमेयकरण के दौरान जो होता है वह साइन चेंज हो जाता है यानी वन माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा और यन माइनस साइन ए भी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वन माइनस साइन ए और वन माइनस साइन ए यानी यह हो जाएगा आपका वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जो है यह दो बार है बटा में हो जाएगा आपका ए प्लस बी है और ए माइनस बी। तो मैंने इसके पहले जो 13 नंबर जो क्वेश्चन जो था उसमें हमने बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताया था सेम वैसा ही है। ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये जो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा ये बच जाएगा वन माइनस साइन ए बट्टा ये जो हो जाएगा आपका वन वन का स्क्वायर होता है वन ही होता है और प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पर जो होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। दोस्तों यह हो जाएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर यानी वन होगा माइनस तो माइनस और ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब उसके बाद आपका ये रूट अंडर में रहेगा क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकला है। उसके बाद यह हो जाएगा आपका वन माइनस साइन ए बटा में रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। उसके बाद रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। दोस्तों ये जो है कॉस ए जो है कॉस ए जो है ये दोनों में है तो इसको हम अलग कर देते हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं यानी वन बटा ये हो जाएगा कॉस ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। वन बटा कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों ये होता है सेक ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है टेन ए होता है। यानी यह जो है आर एच एस आपका आ गया यानी प्रूफ हो गया। और जो है अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।